this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आर सेल्फिन वेस्ट एटीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी की आज की जो हमारे जो कॉल्स थे उनमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है आपको भी आपने अगर कॉल पे ट्रैक किया होगा तो आपको भी काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा मैं कल की कॉल्स बता देता हूँ एटीन नवंबर की जो कि थी श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस की श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस में हमारा लगभग लगभग सिक्सटी पॉइंट्स का जो अप ये दे गया है हमारी बाइंग प्राइस से तो फिर देखिए आज हमारे जो एक सब्सक्राइबर हैं उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को आ, उनको लगभग प्रॉफिट हुआ फिफ्टी थाउजेंड के अकॉर्डिंग थाउजेंड शेयर्स उन्होंने बाय किए थे और वो लास्ट तक इसमें होल्ड करके बैठे रहे देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिख देखिए मार्केट जैसा कि आज ये आप देख पा होंगे ये चार्ट मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस की का खोल दिया है मैंने आपको इसको बाय करने के लिए लगभग लगभग बोला था यहाँ पे इस लाइन पे मैंने आपको बाय करने के लिए बोला और देखिए आज यहां से यहां तक बढ़ा है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ा है इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं थी आपको कि ये नीचे आएगा मतलब नीचे आने लगा है ऐसा कुछ था नहीं ये कंटिन्यूसली बढ़ा है तो इसी में आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट किया है थाउजेंड उन्होंने शेयर बाय किए थे इतने भी मैं आपको क्लियर कर दू थाउजेंड शेयर उन्होंने बाय किए थे अब एक्जैक्टली exactly, अब उन्होंने प्रॉफिट कमाया कैसे देखिए उन्होंने क्या किया अब उनकी एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग जो थी अब मुझे नहीं पता उनकी ऐसी इतनी परफेक्ट कैसे थी उन्होंने यहाँ पे जब बाय करने के लिए तो हमने सबको यहीं पे कहा था कि बाय करना है आपको उन्होंने यहाँ पे बाय किया उन्होंने क्या किया आज उन्होंने होल्ड किया क्योंकि मार्केट पॉजिटिव उन्हें लगा कि पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव एक तरफ से था भी मार्केट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा थर्टीन था, थाउजेंड अप्रोक्स निफ्टी आने वाला है तो इन्होंने होल्ड करके रखा एंड तक होल्ड करके रखा और उन्होंने लास्ट में यहाँ पे ही जो है अपना बुक किया फर्स्ट कैंडल स्टिक यानी कि पहली कैंडल स्टिक जो सबसे हाई बनाया उसकी कैंडल स्टिक का उन्होंने देखने के बाद दोबारा जब दूसरी कैंडल स्टिक ने उतना ही हाई बनाया तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस ट्रेड से बाहर आ जाना चाहिए और वो ट्रेड से बाहर आ गए तो काफ़ी अच्छा उन्हें प्रॉफिट हुआ अब देखिए ये होल्ड करने का नतीजा है अगर आप स्टॉक को होल्ड करेंगे अब देखिए काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे कि अब ऐसा नहीं है कि हर बार ही आपको होल्ड करना है ये मौका कभी भी आपको मिलेगा हर बार ये मौका नहीं मिलेगा हर बार आप टारगेट पे ही आइए पहले तो कोशिश कीजिए फर्स्ट सेकंड टारगेट प्राइस पे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको ट्रेडिंग का जैसे होने था तो तब आप इजीली ऐसा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे ऐसे ट्रेड में ये मौका देता है देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस हो गया और बाकी के जो आज मैं स्टॉक्स दूंगा बाकी के जो स्टॉक्स मैं प्रोवाइड करता हूं उनमें ऐसा मौका मिलता है हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार तो आपको उसी मौके का इंतजार करना है हर दिन होल्ड नहीं करना है पर कभी कभी होल्ड करके भी फायदा होता है तो कभी कभार जब मार्केट बिल्कुल ही पॉजिटिव हो और आपको सारे इंडिकेशन हो कि मार्केट अब जाएगा तो आप होल्ड कीजिए और उतना ही होल्ड कीजिए जितना आपको लगता है कि यहाँ के बाद ये ऊपर नहीं जाएगा जहां आपको लगता है कि यहाँ के बाद नीचे ऊपर नहीं जाएगा आप ट्रेड से बाहर आ जाइए कि वो ऊपर चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां आपका कोई भी फिफ्टी फिफ्टी में मामला अटकता है कि ये यह अब यहां से नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है तो आप ट्रेड से बाहर आ जाइए बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको आप तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर मैं दो कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ जैसा कि मैंने आज भी करी थी तो टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने कॉल प्रोवाइड की थी वो थी बजाज इलेक्ट्रिक और राउट की जैसे दोनों में हमारा जो है टारगेट प्राइस अचीव हुए हैं बजाज इलेक्ट्रिक में हमारा दो टारगेट प्राइस अचीव है राउट में हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ अब देखिए एक चीज़ और मैं समझाता हूँ आपको जो राउट में हुआ देखिए ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे इजीली का मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूं मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल दिया था इसमें वो इसी लाइन में दिया था यानी कि 935 में मैंने आपको इसको शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था और मैं हमेशा कहता हूं अपने न्यू न्यूयर्स को एक बार मैं बता दूं कि जब लेवल ब्रेकआउट होगा तभी आपको आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे लेवल ब्रेकआउट होगा यहां पर एक चीज समझ लीजिए जब लेवल ब्रेकआउट होता है तभी मैं शॉर्ट सेल या फिर बाय करने के लिए बोलता हूं अब आपको यहां पर समझ आया होगा काफी सारे हमारे जो एक दो हफ्ते से मुझे देख रहे हैं कि लेवल ब्रेकआउट होना क्यों जरूरी डी है यहाँ पे देखा होगा आपने ये आया 935 तक ये भी 935 तक फिर यहाँ पे दोबारा 935 तक आया उसके बाद दोबारा ऊपर बढ़ गया अगर आप बिना लेवल ब्रेकआउट हुए इसे शॉर्ट कर देते तो आपका ऐसे हिट हो जाता बट लेवल ब्रेकआउट होने के बाद जैसा कि यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट हुआ उसके बाद इसने अपना पहला टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लिया इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है तो चलिए ये तो बात कर ली मैंने लेवल ब्रेकआउट की आगे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा लेवल ब्रेकआउट में क्यों बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं इससे इन इनसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अपने व्हाट्सअप पे मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा बाकी की डिटेल हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हर तरीके की मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर बिलो फाइव कभी बिलो फाइव कभी अबव देन फाइव यानी कि जो स्टॉक बेटर परफॉर्म करने वाले हो उसी कॉल स्टॉक्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ इन स्टॉक से अलग तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कल के लिए जो पहला स्टॉक मैंने आपको चुना है वो है आरती इंडस्ट्रीज देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस और आरती इंडस्ट्रीज ऐसा एक ऐसा स्टॉक है जो काफी आ, कभी महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार ऐसा मूवमेंट देके जाता है कि जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है उसके बाद आपको हफ्ते में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है यानी कि थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट अगर आप थाउजेंड के शेयर में बाय बात कर रहा हूं मैं थाउजेंड का शेयर बाय करते हैं या फिर फाइव हंड्रेड करते हैं तो भी अच्छा प्रॉफिट ये आपको दे जाता है मान लीजिए फोर्टी टू फिफ्टी पॉइंट्स ये वन साइडेड फोर्टी टू फिफ्टी पॉइंट आपको देकर चल जाता है तो बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा वन वन सिक्स जीरो का अब लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा वन वन सिक्स जीरो पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब तो आप इसे बाय कर लेंगे एग्जैक्ट वन वन सिक्स जीरो पे बाय नहीं करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा वन वन फोर नाइन का टारगेट रहेगा वन वन सिक्स फोर एज़ यूजल पहला टारगेट प्राइस मैं स्मॉल रखता हूँ अभी आपको आउट में पता चला होगा पहला टारगेट प्राइस मैं स्मॉल क्यों रखता हूँ क्योंकि देखिए कभी कभार स्टॉक मूवमेंट नहीं दे पाता तो भी आपको प्रॉफिट हो इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखता हूँ मुझे ये चीज़ बहुत बेस्ट लगती है कि आपको कुछ ना कुछ करके एक टारगेट प्राइस अचीव होकर थोड़ा सा प्रॉफिट हो बट हो सेकंड टारगेट प्राइस है आपका वन वन सेवन फोर का दूसरा है वन वन एट फोर का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी वन वन एट फोर एट की अब वन वन फोर एट का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा वन वन फोर सेवन पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे एक्जैक्ट वन वन फोर एट पर नहीं करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा वन वन फाइव एट का टारगेट रहेगा वन वन फोर फोर वन वन थ्री टू और वन वन टू टू का ध्यान रखेंगे अगला स्टॉक है हमारे सीमेंट जैसे आप बाइक रहे चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा वन फोर थ्री एट का लेवल ब्रेकआउट होना जरूरी है स्टॉप लॉस रहेगा वन फोर टू एट का अब स्टॉप लॉस के भी जान लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा स्टॉप लॉस हिट होगा वन फोर टू एट यानी कि वन फोर टू सेवन पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगा तब आप ने सल इटमान के ट्रेड से बाहर आएंगे एग्जैक्ट वन फोर टू एट अपना एसएल हिट नहीं मानेंगे टारगेट रहेगा फोर 14, टू वन फोर फाइव जीरो और वन फोर सिक्स जीरो का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा आपके वन फोर टू फाइव स्टॉप लॉस रहेगा आपका वन फोर थ्री फाइव टारगेट रहेगा वन फोर टू जीरो वन फोर वन जीरो और फोर्टीन हंड्रेड का ध्यान रखेंगे स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग साइड कैसे एस एल हिट होगा वन फोर थ्री फाइव पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब अपना एस एल हिट यानी कि वन फोर थ्री फाइव से ऊपर जाने लगेगी जब शेयर की वैल्यू तब तो आप उसे ऐसे लिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा कांटेक्ट जरूर कीजिएगा कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं बिलो 500 रेंज ऑफ 500 और अबव अब देन 500 हर तरीके के स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूं जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा बाकी आप अगर इस वीडियो पर नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट भी करेगा अगर आपको आज अब अच्छा अच्छा प्रॉफिट हुआ बाकी मिलते हैं आपका अगली वीडियो के साथ